हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। अभी आपने जो क्लिप देखा था वो था मेरी खाला जान के साथ बनाया हुआ मेथी के लड्डू का व्लॉग। ये हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे, ये क्या चीज है? रवा, 1 किलो। अच्छा, खाला जान ने ये 1 किलो रवा लिया है, बारीक, एकदम बारीक रवा ना? अच्छा, और फिर 100 ग्राम सूखे खजूर। अच्छा, सूखे खजूर मतलब कि वो जो खारिक होती है वो है क्या? ये खारिक होती है ना? अच्छा, ये खारिक, ये इस तरह की। हाँ। इसको हमने बारीक पाउडर किया हुआ है। अच्छा, बीज निकाल के, दरदरा पाउडर, बीज निकाल के दरदरा पाउडर किया। ओके, तो ये कितने लिए आपने? 100 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो रवा है, उसके लिए 100 ग्राम खारिक, 100 ग्राम गोंद 100 ग्राम। ये जो ऐसा होता है जो लड्डू के लिए इस्तेमाल होता है, आपको ग्रोसरी शॉप पे ये आराम से मिल जाएगा। ये 100 ग्राम लिए हैं। फिर ये क्या है? मेथी इलायची का पाउडर। मेथी इलायची का पाउडर, मेथी इलायची को आपने थोड़ा सा रोस्ट किया। हाँ। और उसका पाउडर बना लिया। ओके, और ये ड्राई फ्रूट का पाउडर। अच्छा, इसमें खाला जान ने काजू, बादाम, पिस्ता लिया और उसका पाउडर बना लिया। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 2-3 टेबल स्पून हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, आपने क्या लिया है? ये 1.25 किलो गुड़। गुड़ है जिसको आपने इस तरह से हम चाशनी बना के लेंगे। अच्छा, इसकी चाशनी बना के लेंगे। ये 1/2 किलो घी है, देसी घी। अच्छा, ये आपने 1/2 किलो देसी घी। ठीक है, और ये? ये 3 नारियल। 3 नारियल की? हाँ, 3 नारियल खिर्चा हुआ। अच्छा, आपने उसकी चून निकाली इस तरह से, बारीक कोकोनट बोलते हैं ना, खिसनी पे अपने खीस के एकदम बारीक बारीक खिस लिया हुआ है। ये फ्रेश कोकोनट है? फ्रेश कोकोनट है। और ये ड्राई फ्रूट बारीक कटा हुआ। ओके, ड्राई फ्रूट्स में आप लोग, मैंने यहाँ लिया है एलमंड, पिस्ताचू एंड कैशनट। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हम एक पतीली में सबसे पहले घी ऐड कर देंगे। ये आपने पूरा घी नहीं डाला ना, थोड़ा सा घी, गोंद फ्राई करने के लिए घी आपने ऐड किया। अच्छा, तो जितना हमें गोंद फ्राई करना है उसके लिए थोड़ा सा इसमें हमने घी ऐड किया है। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें गोंद डालेंगे। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, गर्म घी में आपको अच्छे से इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें गोंद डाल देंगे। अच्छा गरम करना है ना अपने को? ये अच्छा गरम है, नहीं तो वो चिकक जाएगी। अच्छा, अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए पतीली में 1.5 ग्लास पानी, ये मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें जो हमने गुड़ को बारीक बारीक कट करके रखा था वो डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट को एनहांस करने के लिए। बस कितना है ये? थोड़ा सा हाफ टी स्पून। ओके, इसको ऐसे मतलब गाढ़ा तो नहीं चाशनी बनाना चाहिए, सिर्फ गुड़ मेल्ट होने तक पकाना। हाँ, एक तार की चाशनी वगैरह कुछ नहीं। अभी इसका हो गया, इसको बंद कर देंगे और इसको बंद करके ठंडा करके छान लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम उसी तेल में ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे जिसमें हमने गोंद को फ्राई किया था, उसे घी में, सॉरी, सारे ड्राई फ्रूट को हम फ्राई कर लेंगे। ये इसलिए तलने का कि अगर ये ज्यादा दिन आप रखेंगे तो खराब नहीं हो जाए। अच्छा, तो अगर हम लड्डू को थोड़ा फ्राई करके डाल देंगे। ओके, तो लड्डू को थोड़ा आपको लंबे समय तक के रखना है तो सारी चीजों को अच्छे से फ्राई कराई करके। अभी उसी पतीली में हम थोड़ा सा घी और लेंगे। ये पूरा 1/2 किलो का घी है जो हम थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या फ्राई करेंगे? इसमें हम जो नारियल खिरसा हुआ है ना। अच्छा, नारियल की चून। हाँ, नारियल को भून लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, इसमें अभी गुलाबी, हम नारियल की चून को गुलाबी होने तक इसको भून लेंगे। अच्छा, तो ये नारियल की चून हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से अच्छी तरह गुलाबी होने तक के भून लेंगे। इसे
कितना भुनने का है? इसको अच्छा गुलाबी होने तक भुनना है और इसका कच्चापन पूरा निकलना चाहिए ताकि वो ऐसा चिकना छोड़ दे। अच्छा हाँ, चिकनापन छोड़ दे, तेल निकले। हाँ, ऐसा अभी आप दबाएंगे तो इसमें से जो अभी सफेद जैसा आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। जब वो तेल तेल जैसा चिकनाहट आ जाएगी तब तक इसको अच्छी तरह से भून लेना। ठीक है, जब आप उसको प्रेस करोगे तो जो कोकोनट मिल्क होता है वो नहीं आना चाहिए, उसमें से बल्कि ऑयल निकलना चाहिए। दैट मीन्स वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो हमें इसे इतना ही भूनना है। अब हम एक और पत्ती भी ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम जो रवा है वो रवे को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, तो अब हमको रवा भूनना है तो हम थोड़ा थोड़ा करके आधी आधी क्वांटिटी लेंगे और रवे को अच्छे से पहले हम भून लेंगे। हाँ, ये रवे को ऐसा गुलाबी होने तक भून लेना। ये भूनने से क्या होता है कि अगर आपने ये चीज और थोड़ा स्टोर करके रखे भी तो ये खराब नहीं होता है। अच्छा, इसलिए हमें हर चीज को भून के अच्छी तरह से भून के लेना चाहिए। बस अभी ये आपने फिर भी कितना दो से तीन मिनट भुना रहे? दो से तीन मिनट भुने। ठीक, अभी ये जो चून हम भून रहे थे खोबरे की, ये रेडी हो गई है? लगभग रेडी हो गई है। इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, अब बाकी सारी चीजें हम इसमें डालने का, जो भी अपना सब भून के तल के जो भी पीस के रखे हुए चीजें हैं वो अब एक 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 करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये सूखा खजूर। हाँ, जो सूखे खजूर हमने पीस के रखे थे उसका पाउडर। फिर ये बादाम पिस्ता जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखे थे वो वाला पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। और फिर ये इलायची और मेथी का पाउडर। अच्छा, इलायची और मेथी का पाउडर, ये सारे पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम रवा ऐड करेंगे जिसको हमने भून के रखा है थोड़ा थोड़ा करके। एक किलो पूरा रवा इसमें डाल दिए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से भून लिए ना आपने? हाँ, अब इसमें अब ये गुड़ की चाशनी जो बनाए हमने वो इसको डाल देंगे। अच्छा, ये छान के आप डाल? हाँ, छान के इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। डालने के बाद इस तरह से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये गुड़ की चाशनी मैंने अच्छी तरह से मिक्स की हूँ और इसको अभी झाक कर एक 10 मिनट के लिए हम दम छोड़ देंगे ताकि रवा अच्छी तरह से पक जाए। इसमें मैंने जो गुड़ की चाशनी मिलाई थी इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स की हूँ और इसको एक 10 मिनट के लिए मैं दम रखने वाली हूँ। अच्छा, ढाक के? हाँ, ढाक के दम रखूंगी। 5 minutes later. इसे चेक कर लेते। हाँ, इसको चेक कर लो। ये अभी अच्छी तरह हो गया है, इसमें अच्छी तरह से स्टीम आ गई है। अब हम इसमें जो गोंद तल के रखे थे, ये जो गोंद तल के रखे थे, अच्छा, ये डालेंगे। बस हमें रवा पकने का हो जाए उतना ही इसे पकाना है ना? और ये जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो ड्राई फ्रूट डालेंगे। बस ये अभी ऑलमोस्ट रेडी है, इसके सिर्फ अभी लड्डू बनाना बाकी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अब ये पूरे तरह से तैयार है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अच्छा, अभी इसके लड्डू बना रहे हैं। हाँ, ये इस तरह से आपको जितने चाहिए उतने बड़े बना। अच्छा, लीजिए। थोड़ा गरम रहेगा तभी इसको बनाने का। तो ये बनाने में आसानी होती है, थोड़ा गरम है लेकिन हाथ संभाल के कर। तैयार है हमारे मीठे के मजेदार से लड्डू। इसे तोड़ के दिखा रहे खाला।
तो आप लोग भी इसे जरूर बनाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।